शनिवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने नमामि गंगे परियोजना के तहत नालों को टैप कर शुद्ध करने के लिए बनने वाले एसटीपी एवं अन्य कार्यों की जानकारी के लिए हावड़ बंधे का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंधे में काम कराने से पूर्व सिंचाई विभाग के एनओसी अनिवार्य रूप से ले लें तथा जहाँ भी बंधों में काम कराया जाएगा वहां पर बाढ़ के समय बचाव के लिए कार्य भी अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके बाद मंडलायुक्त राप्ती तट पर बन रहे स्नान स्थल एवं शौदा स्थल का निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया और उसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, जेडीसी एवं सिंचाई विभाग व जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये सर ठीक इसके सामने प्रपोजल है जो ये आपका 100 मीटर है, ये 100 मीटर यहाँ तक 100 मीटर ये चौड़ाई सर 100 मीटर और ये सर पार्किंग है, ये पार्किंग तो हम यहाँ कहीं खड़े होंगे। लैंडिंग तो यहाँ तो सिर्फ सीढ़ियाँ होंगी आपकी, सीढ़ियाँ है सर, इस पे सर अलग से ऐसा नीचे में चेन लगाया ताकि लोग पकड़ के साथ कोई कैजुअलिटी ना हो। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि विगत वर्षों में गोरखपुर जो नगर निगम एरिया है इसमें जल भराव की समस्या रहती है और हमें जो है एक ठोस कदम उठाना है ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम का, तो वही हम लोगों ने जो हमारा राप्ती और रोइन नदी के किनारे का एरिया है उसमें यदि हम सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज लाना चाहते हैं, उसको जो नाले का पानी नदी में गिर रहा है उसको टैप करके एसटीपी में मिलाना चाहते हैं तो कैसे किया जाए, उस संबंध में एक स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता थी। तो सभी अधिकारियों के साथ वो करने का एक प्रयास किया है जिससे कि हम एक ठोस प्रस्ताव बना सकें। सेकेंडली हमारा जो आप जैसा जानते हैं राप्ती नदी के किनारे घाट निर्माण का काम चल रहा है और शमशान का भी एक आधुनिकीकरण का और एक पक्कीकरण का काम चल रहा है, तो उसका भी एक जायजा लेने की कोशिश की गई है जिससे कि ये काम सही गुणवत्तापूर्वक हो और इनका समयबद्ध तरीके से हम इनॉग्रेशन करा सकें और जनता को इसका लाभ मिल सके।